ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। मोदी जी थैंक यू सो मच। 3 मई को मेरा बर्थडे है, पार्टी देने से बच जाऊंगा, पैसे बचा लिए मेरे आपने। तो पता तो सबको चल ही गया होगा कि 3 मई तक पूरा का पूरा इंडिया लॉकडाउन है बिकॉज ऑफ समथिंग जो चाइना से आया हुआ था। मैं नाम नहीं ले सकता उस चीज का, YouTube डिमोनेटाइज कर देता है। तो सबको पता तो चल गया होगा। और जैसे ही सुबह 10 बजे मोदी जी लाइव आए थे, वैसे ही मीम्स आना शुरू हो गए भाई। लॉकडाउन एक्सटेंडेड, वेजिटेरियन नॉन स्मोकर एंड नॉन ड्रिंकर्स, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। एक चीज ही अच्छी हुई है लॉकडाउन में कि जो जो स्मोकर्स थे, फूकने वाले थे, जो जो ड्रिंकर्स थे, उनकी आदत कम या छूट गई है, बहुत अच्छी चीज हुई है। लेकिन यहाँ वेजिटेरियन क्यों लिखा हुआ है यार? नॉन वेजिटेरियंस भी अच्छे होते हैं यार। अभी नीचे कोई ना कोई बंदा लिख देगा, तुम्हारे चाय में तो कीड़ा गिर जाए तो भी तुम्हें चल जाएगा, तुम तो नॉन वेज खाते हो ना। अबे तुम वेजिटेरियन हो तो क्या नाली से पौधे निकाल के दूं खाओगे? कुछ भी लॉजिक लगा दियो यार। मोदी जी एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल 3 मई, मी हूँ गेट अप एट 1 PM, ये कब हुआ भाई? सच बताऊं, वैसे तो मैं लेट उठता हूँ आजकल लॉकडाउन में, लेकिन आज किस्मती से मेरी नींद उसी टाइम पे खुली जब मोदी जी लाइव आए थे। मैंने ये चीज नींद में ही सुनी कि 3 मई तक लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन गेट अनाउंस्ड, ली इंट्रोवर्ट्स। कौन कौन इंट्रोवर्ट है? नीचे कमेंट तो वैसे भी नहीं करोगे इस डर से कि कोई तुम्हारे कमेंट पे रिप्लाई ना कर दे। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, बाहर निकलना मत नहीं तो मर जाएगा तू। अवार्ड दो इसको, मैं अपना ये पेन इसको अवार्ड देने वाला हूँ, अपना साइन देता हूँ इसको मैं अनमोल को। कभी कभी सोचता हूँ जो लॉकडाउन के पहले लड़की लेकर भागा होगा वो रुका कहाँ होगा? Everyone at my home had a good laugh after a long time and asked me, 3 मई को तेरा बर्थडे है ना? देखो, हर चीज में पॉजिटिव देखना सीखो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेगेटिविटी तो आपके रिलेटिव भी दे जाते हैं अगर आप उन्हें बोलोगे कि मैं लाइफ में ये चीजें करना चाहता हूँ, और वो बोलेगा हाँ उसके बेटे ने ऐसा किया था, क्या हुआ? साहब दोस्त को अगर कुछ बताओगे तो वो तो ना ही करेगा, हाँ उसने ऐसा किया था, क्या हुआ? तो नेगेटिविटी हर तरफ फैली हुई है, कोई भला नहीं चाहता है, काफी कम लोग होते हैं जो तुम्हारा भला चाहता है। तो हर चीज में तुम खुद ही पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पैसे बचने की पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हो, मतलब किस किस चीज में पॉजिटिविटी देख रहे हो? जिसे जिसे ये समझा कमेंट करना, साथ चलेंगे नर्क में। लॉकडाउन एक्सटेंशन इज फाइन, बट मोदी जी अगर टास्क दिया होता तो मजा आ जाता। फाइनली समवन सेड इट। मैं इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मैं उठूंगा और मुझे पता चलेगा कि कौन सा टास्क हमें करना है, क्योंकि जो फर्स्ट टास्क था ना भाई, मजा आ गया था भाई, सच में मजा आ गया था। सेकेंड टास्क भी बहुत मजा आया था मुझे। मैं 3rd टास्क के लिए वेट कर रहा था कि टास्क तो मिले यार, वो नहीं दिया मोदी जी ने। मीन वाइल इंडियंस टू लॉकडाउन, हाउ लॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट मीम। बट हाँ, लॉकडाउन जरूरी है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब वापस बोलूंगा तो नीचे कमेंट आ जाएगा, ए ज्यादा ज्ञान मत दे, हाँ हम लोग यहाँ पे एंटरटेन होने आते हैं, ज्ञान नहीं देखने आते, समझा ना। टू बी ऑनेस्ट यार, ये मुन्ना भाई MBBS जो मूवी है ना, एक नंबर है। ये सीन के बाद हाउ लॉन्ग 6 फुट का गोनी ला, अंदर जाके धोता है उसको। गोनी के पहले एक वो पॉलिथीन लाता है, बोलता है इसमें कैसे डालू, घड़ी करके डालू के। जबरदस्त डायलॉग है भाई उसमें, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, घड़ी करके डालू क्या, वो अंडररेटेड डायलॉग है, काफी लोगों ने सुना ही नहीं होगा। मोदी जी लिटरली सेड, अच्छे बच्चे बनोगे तो घूमी घूमी करने मिलेगा। देखो यहाँ पे बच्चे तो ज्यादा से ज्यादा घर बैठे ही है, ये अंकल और बूढ़े हैं जो नहीं समझ रहे हैं, जो एकदम होशियारी में ऐसे हैं, अरे मेरे को क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, अरे सब है। सुनो मेरी बात, घर पे बैठो। नो न्यू टास्क अनाउंस्ड, मूड। मैं पता है लिटरली वेट कर रहा था कि कब मोदी जी अपने भाषण में कहे कि देखो ये सब तो मैंने मेजर्स और ये सब बता दिया आपको कि क्या क्या करना है,
अब इंटरनेट पे ज्यादा लोग चाहते हैं कि मैं टास्क दूं, तो इसीलिए इंटरनेट वालों को खुश करने के लिए मैं एक और टास्क दे रहा हूं, बट नहीं हो पाया सैडली। इंडियंस ट्राइंग टू गेट आउटसाइड आफ्टर कंप्लीटिंग 21 डेज लॉकडाउन, मोदी जी थर्ड में को आना हा, मस्त नहा पक थर्ड में को आ। देखो थर्ड में को नहीं, फोर्थ में को आ, थर्ड में तक लॉकडाउन है, ऐसा है। और वो भी जरूरी नहीं है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही, हम लोग मतलब जो बात नहीं मान रहे वो ऐसे ही लापरवाह की तरह घूमते रहे, और अगर भगवान ना करे आउट ऑफ कंट्रोल चली गई ये सिचुएशन, तो भाई और लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो अपने दिन के 2-3 घंटे के मजे के लिए आगे के तुम 1-1 महीना बढ़ाते रहोगे, इसीलिए घर बैठो। नो न्यू टास्क दिस टाइम, मी एंड द बॉयज हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हो हमको। बेस्ट मीम फॉर लॉकडाउन 2, बेस्ट मीम। क्या मीम है यार, हमारे दिल की बात है ये। तो चलो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, जो अंकल भूले भटके हमारे वीडियो पे आ गए और उन्हें लग रहा है कि अगर हम किसी पे मीम्स बना रहे हैं तो मतलब उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं या हेट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता अंकल जी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम एग्री कर रहे हैं, हम उनसे प्यार भी करते हैं, बट एक हंसी मजाक के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मीम्स का मतलब हेट फैलाना नहीं होता है, वो अलग चीज़ होती है हेट फैलाना, और ये जो है ये एक प्यार से सपोर्ट में और अलग अलग चीज़ें होती है। तो ऑफेंड मत हो जाना अंकल जी। यहाँ मेरा ऑफिशियली वीडियो खत्म हो चुकी है, अब मैं ज्ञान बांटूंगा, जिसे रुकना है रुक जाओ, नहीं तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो बात ऐसी है कि लॉकडाउन पहले 14 अप्रैल तक था और अभी थर्ड मे को किया गया है, तो अगर भगवान ना करे अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है तो इसे और आगे लॉकडाउन किया जा सकता है। तो प्लीज़ घर पे बैठिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगा कि जो डेली वेजेस अर्नर है, वो पॉइंट मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शूट की थी लेकिन मेरी जो फुटेजेस है वो करप्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं कर पाया, कमेंट पिन कर दी थी मैंने। तो मेरी पॉइंट ये है कि जो डेली वेजेस अर्नर है ना, और अगर आप सक्षम है ये चीज़ करने के लिए, तो उन्हें यू नो आप फूड दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, और ये मत दिखाइए कि आप दान कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मतलब वो एक खुदगर्ज इंसान है। तो दान अगर वो लेंगे अगर मजबूरी में भी, तो खुद के आंखों में ही गिर जाएंगे। तो उन्हें ये मत दिखाइए कि आप दान दे रहे हैं, उन्हें ऐसा दिखाइए कि एज अ नेबर का आप धर्म निभा रहे हैं, किसी को अपने नज़रों में गिराइए मत। बस ये चीज़ थी कि आप आपस में, ये टाइम ह्यूमैनिटी का है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर नहीं, आशा नहीं करने देती ना मुझे, लॉकडाउन है जा भी नहीं पाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ही हो, और नीचे एक बंदा कमेंट करेगा, अच्छा मतलब उम्मीद करने देगा, दिस इज वर्ड प्ले। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी या। तेरे का दिल हुआ देश लॉकडाउन, घर पे ही बैठो ना जाना आउट ऑफ टाउन, यहाँ तक कि जिनके सर पे क्राउन वो भी आधे गए हार, जैसे हुए नॉकडाउन, लॉकडाउन किया गया है देश के लिए।